सात आसमां चीरे, अब सात समंदर तीरे, चल सात सुरों में कर दे ये ऐलान। हो हिम्मत है तो रोक हो, और जरूरत है तो बांट हो, रे आज हथेली पे रख दी है जान। हो सात आसमां चीरे, अब सात समंदर तीरे, चल सात सुरों में कर दे ये ऐलान। हाँ हिम्मत है तो रोको, और जरूरत है तो बांटो, रे आज हथेली पे रख दी है जान। हो खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून, खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून, ऊपर अल्लाह नीचे धरती, बीच में तेरा जुनून। रे सुल्तान सात आसमां चीरे, अब सात समंदर पीरे, चल सात सुरों में कर दे ये ऐलान। सीने में तेरे आग पानी आंधी है, मेहनत की डोरी हौसलों से बांधी है। है पर्वत भी तू ही और तू ही पत्थर है, है पर्वत भी तू ही और तू ही पत्थर है, जो चाहे तू वो ही बन जाए तेरी मर्जी है, चाहे तू वो ही बन जाए मेरी मर्जी है। आंसू और पसीना अरे है तो दोनों पानी, पर मोड़ के रख दे दोनों ही तूफान। हो खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून, खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून, ऊपर अल्लाह नीचे धरती, बीच में तेरा जुनून। रे सुल्तान सात आसमां चीरे, अब्बा जी क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच एवी ब्रदर्स। और आपने आज का जो तराना, जो आज आपने गीत, जो म्यूजिक दिया, बहुत बेहतरीन, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को आज एक बार फिर से शुरू करने के लिए मैं मौजूद कनॉट प्लेस में, और अब तो धीरे धीरे जनता पुरानी आदत में आने लगी है, और ऊपर वाला करे यही हो, क्योंकि जो खतरे हैं वो सब टल जाएं और हम एक बार फिर से आपसे उसी तरह से मिल पाए जैसे इस वक्त और यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का आज सिलसिला शुरू करेंगे, जो मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं उनको ये लगता है कि अभी तो 10-5 मिनट के बाद ये खुद ही बोलेंगे उसके बाद आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आज मेहमानों की तरफ पहले मुखातिब होंगे और बाकी लोगों से बात है, क्यों ठीक है ना। ये लोग सोचते हैं कि ये तो सिर्फ हाथी के दांत हैं, नहीं नहीं ये सब खाने वाले दांत हैं। क्यों हैदर साहब कैसे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? बिल्कुल बढ़िया। कहाँ से आ रहे हैं? ड्यूटी करके आ रहा हूँ सर। अरे ड्यूटी करके सीधे यहीं आते हैं? अरे घर जाया करिए, बीबी बीबी है, बेगम है, वहाँ सीधे यहीं आ जाते हैं। आप भी तो उससे कम नहीं है ना। हैदर भाई क्या बात है, मैं मतलब तुम्हारी मोहब्बत मान गया, लेकिन अल्लाह करे ऐसे ही मोहब्बत तुम्हारी बनी रहे और ऐसे ही आबाद रहे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुर्तजा जैसे लोगों का क्या किया जाए, जो इस देश में आतंक फैलाने के लिए हर मौके की तलाश में रहते हैं। ये लोग देश हित में तो कुछ सोचते ही नहीं है कि ये देश के हित में सोचे, नहीं भाई, इन्हें तो मुद्दे चाहिए, मंदिर में घुसवा दो, मस्जिदों में घुसवा दो, सिर्फ इनको तोड़। देखिए इनके पीछे जो है बड़ी साजिशें हैं, बड़ी साजिशें। मैं कहना चाहता हूँ अपनी सरकार से, भारत के प्रधानमंत्री जी से, कि इन चीजों की इन हैदर भाई ये सब तुम छोड़ो, इधर आओ मेरे पास आओ यार, मैं तो कुछ और सोच रहा था, तुमने कुछ और बोलना शुरू कर दिया। ये बताइए कहाँ काम करते हैं आप? मैं नई दिल्ली स्टेशन पे करता हूँ। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे काम करते हैं? तो सुबह कै बजे जाते हैं घर से? मैं 8 बजे निकल जाता हूँ। 8 बजे निकल जाते हैं, और घर आपका कहाँ है? लक्ष्मीनगर में। लक्ष्मीनगर में, तो इधर बीच में तो ये नहीं पड़ता कनॉट प्लेस, आप इधर क्यों मुड़ते हैं? नई दिल्ली से इधर आ जाता हूँ ना सर, एक घर वाली है दूसरी बाहर वाली है। क्या बात है साहब, गजब है भाई, गजब है आप तो, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। आपकी ये जो मोहब्बत है ये परवान चढ़े, और मैं तो आपसे एक बात कह देता हूँ, आई लव यू। क्या बात है सर, ये कहने के लिए भी बड़ी दम होना चाहिए। माय भारत। हाँ, सबसे पहले मुझे अपने भारत से प्यार होना चाहिए, उसके बाद यहाँ के रहने वालों से होना चाहिए। क्या बात है हैदर साहब, हैदर साहब है रोज अक्सर, पहले किसी जमाने में शो में अक्सर आ जाते थे, फिर जब शो बंद हुआ तो मैं तो कनॉट प्लेस में घूमता हुआ अक्सर आ जाता था, जब आप लोग घरों के अंदर मौजूद थे तो मैं रिपोर्टिंग कर रहा था बाहर, तो हैदर साहब को तो नहीं लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ, बिल्कुल सन्नाटा सा था, उस जमाने की बात है। लेकिन मैं सोचता था ये कि पता नहीं कब यहाँ पे लोग आएंगे, लेकिन आने लगे और ये सिर्फ जमने लगा एक बार माहौल और बनने लगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जो एक बार फिर से आप यहाँ मौजूद हैं। कुछ नए चेहरे भी दिख रहे हैं मुझे, तो मैं उनसे भी बात कर लूँ। जनाब क्या नाम हो गया आपका? प्रदीप भटनागर। प्रदीप जी कहाँ रहते हैं आप? मैं नोएडा। नोएडा में रहते हैं, तो इधर आना होता है कनॉट प्लेस? यस जी। तो आज कैसे आना हुआ इधर?
ऐसे घूमने आ गए, मेरी युगांडा से फ्रेंड आई हुई थी। युगांडा से आई हैं। हेलो हाउ आर यू? ओके, वेरी गुड वेरी गुड। तो बस इधर से घूमते हुए इधर आ गए जी। क्या अच्छी बात है, जब तक मन लगे तब तक देखिए, और फिर उसके बाद जब मन उब जाए तो फिर अपना जो इस काम से आप है तो वो भी नहीं सकता मन। हाँ, ना, ना 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 ऐसा बात नहीं, बढ़ता ही रहेगा आपकी आवाज सुन के, रश बढ़ता ही रहेगा यहाँ। बहुत 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 शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो लोगों ने कहा कि ये बात ही कहते हैं, कहा था मेहमानों की तरफ तारुफ कराएंगे और ये चले गए कहीं हैदर के पास और कहीं भटनागर जी के पास और कहीं युगांडा। मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। और हैदर साहब, आपने जो अब मसला छेड़ा है ना मुर्तजा वाला, आज उसी पर सियासी बवाल है और उसी पर बातचीत का सिलसिला भी है। और आज तो हमारे बहुत पुराने मित्र भी आज पैनल में दिखाई पड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। चारू प्रज्ञा आज बीजेपी का पक्ष रखने के लिए एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच चारू फॉर कमिंग। संजीव कौशिक जी हमारे साथ हैं, आज राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ममता काले आज एक बार फिर से बहुत डिबेट में हिस्सा लेने के लिए आई हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि उस डिबेट को ये उसी चरम तक ले जाएंगी जिसके लिए जानी जाती हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। प्रीति पांडे हमारे साथ मौजूद हैं, मिर्जापुर से आती हैं, वहाँ अपना सोशल वर्क करती हैं लेकिन यहाँ पर डिबेट्स में शरीक रहती हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। दीपक झा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सो मच। यूसुफ अंसारी साहब हमारे साथ हैं, बहुत पुराना हमारा इनका साथ रहा है यूसुफ भाई का, पत्रकारिता में रहे हैं, पॉलिटिक्स बहुत अच्छी से समझते हैं, ब्यूरो चीफ रहे हैं, पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करते रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज तो कभी भी दिखाई पड़ रहे हैं। आरपी सिंह साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और मोहम्मद रफी, मन तो यही करता है कि मोहम्मद रफी तक कहें, उसके बाद अता ना ही कहें, इतने सुरीले आदमी हैं आप सच में। और जब आप अपने पे आते हैं तो किसी की नहीं सुनते, घर में भी ऐसे करते हैं क्या आप? हाँ जी, घर में तो सबकी सुनते हैं। आपकी सुनते तो हैं हम सब। हाँ, कहाँ सुनते हैं आप, जब आप अपने पे आ जाते तो मेरी भी नहीं सुनते हैं। जी जनाब आली, हैदर साहब ने कहा कि मुर्तजा जैसे लोगों का क्या करें, पढ़े लिखे आईआईटी पास हैं, लेकिन अखिलेश ने आज एक बात कही, उन्होंने कहा कि वो मानसिक रूप से बीमार हैं, लिहाजा इस तरफ ध्यान रखा जाना चाहिए जब तमाम सारी प्रक्रियाएं कानूनी प्रक्रियाएं लगे। साथ ही साथ बीजेपी ने कहा कि अखिलेश जी को बताया जाना चाहिए कि जितने आतंकी होते हैं वो मनोरोगी ही होते हैं। तो उधर से बात आई, अखिलेश जी ने कहा कि बीजेपी जो है बातों को खींच देती है, तो जो ये बातों को खींचना है, बस यहीं से डिबेट का आगाज करता हूं। जी प्रतीक जी, देखिए हम सब ये बात जानते हैं कि रेडिकलाइजेशन सच है, हम सब ये बात जानते हैं कि वेपनाइजेशन सच है, और इसका पढ़े लिखे होने से कोई लेना देना नहीं है। और आज जो अखिलेश जी बात कर रहे हैं, लेकिन मुर्तजा के पिताजी कहते हैं कि वो मानसिक बीमारी है। मैं मुर्तजा की बात बता रही हूँ, यहाँ आते आते वीडियो देख रही थी, वीडियो में बैठा है हाथ में पट्टी बांधकर और कह रहा है मुसलमानों के लिए कोई कुछ नहीं करता, मैंने सोचा मैं ही कुछ कर दूं। अपनी वीडियो में जो आदमी इस तरीके की बातें कह रहा है, इस रेडिकलाइजेशन की शुरुआत कौन कर रहा है, कौन सहारा दे रहा है? आपको एक पुराना हादसा याद दिलाना चाहूंगी, कर्नाटक में जब हिजाब की बातें बार बार उठ रही थी, कोर्ट तक गई, सुप्रीम कोर्ट तक गई, कोर्ट ने क्या लिखा, कर्नाटक हाई कोर्ट ने लिखित दिया है कि पीएफआई सीएफआई हमारे बच्चों को रेडिकलाइज कर रहे हैं, ब्रेन वॉश कर रहे हैं, उनका दिमाग खराब कर रहे हैं, उनका भविष्य खराब कर रहे हैं अपने फायदे के लिए। जी देखिए, मैं तो कहता हूं और साइकोलॉजी कहती है कि 87% लोगों को साइकेट्रिस्ट की जरूरत है, काउंसलिंग की जरूरत है। तो भाजपा को और मुर्तजा दोनों को काउंसलिंग की जरूरत है, इन दोनों को जनता काउंसलिंग करेगी। ममता काले, ममता काले, ऑफकोर्स 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 ममता काले, अब थोड़ा सा समय दीजिएगा, पहले आपके लिए, पहले आपके लिए, पहले आप, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। आपने तो सब कुछ बयां कर दिया, उसमें रहा क्या, आपने तो सब बयां कर दिया। मैं पहले पहले दो लाइन आपके लिए सीपी की तरफ से, कि बहुत देर से दर पे आंखें लगी थी हुजूर, आते आते बहुत देर कर दी, तो प्रतीक जी के लिए तालियां बता दीजिए आप। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और आ रहा हूं, आ रहा हूं, आई विल कम टू यू। और आप विषय पे देखिए, मेरा छोटा भाई है दीपक और प्रखर वक्ता भी है, लेकिन क्या कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, इन्होंने जिस प्रकार की बात बोली है, इनको ये समझ जाना चाहिए कि ये इस वक्त एक जिहादी का, एक रेडिकलाइज्ड यूथ का और एक आतंकवादी का के तरफ से बात कर रहे हैं। आपने बोला कि मुर्तजा को अभी अखिलेश यादव जी बचाने की कोशिश कर रहे हैं, अखिलेश यादव जी वो व्यक्ति हैं जो 2007 के जो आतंकी थे उनके लिए भी मर्सी पिटीशन और उनके खिलाफ जो केसेस थे वो वापस लेना चाह रहे थे 2012 में। 38 जो कन्विक्ट हुए हैं 2008 वाले बॉम्ब ब्लास्ट में अहमदाबाद में, उनमें से एक आतंकवादी किसका था साथियों, वो था समाजवादी पार्टी के नेता का, जिनके पिताजी अभी पहिया पहिया घूम रहे थे अखिलेश।
अखिलेश यादव के साथ उसको बचाने की बात की गई थी। 20 धमाकों में 56 लोग मरे, 243 घायल हुए। अखिलेश यादव ने बोला 2008 में कुछ नहीं हुआ। अब मैं आती हूँ मुर्तजा पर। मुर्तजा, इनको मानसिक तौर से बीमार लग रहा है, युवा लग रहा है, बच्चा लग रहा है, भटका हुआ लग रहा है, कमजोर लग रहा है, पीड़ित लग रहा है वो मुर्तजा जो नेपाली खातों के माध्यम से सीरिया में 8-8, 10-10 लाख रुपए। इशारों में मुझे मत देखो और न कनखियों से मेरी तरफ देखो। मैं आशिक हूं, इसमें दो राय नहीं, लेकिन मैं एक बात आपसे बहुत साफ तौर से कहना चाहता हूं। बात मुद्दे की है, उठिए, सामना करिए, जवाब दीजिए। जी देखिए, ममता काले ने कहा, चारू जी ने कहा, ये रेडिकलाइजेशन की बात कर रही है। रेडिकलाइजेशन तो मैं इस वक्त देख रहा हूं कि आप भी देखते हैं, आपके शो में भी जितनी बार आते हैं, 20 से 25 साल के जो नौजवान है उनके पास जय श्री राम, जय श्री राम। मैं भी यहाँ बोलने के लिए खड़ा होता हूँ, ठीक है, मैं विपक्ष की बात करता हूँ, दूसरे विचारधारा की बात करता हूँ, तो मेरे खिलाफ नारे लगते हैं। मैंने यह रेडिकलाइजेशन किसे कहते हैं? देखिए जो हो रहा है ये रेडिकलाइजेशन नहीं है, ये एक धर्म विशेष के खिलाफ बिल्कुल आप हाथ धो के पीछे पड़ जाओ। किसी भी रूप में मुसलमान, किसी भी रूप में मुसलमान, किसी भी रूप में मुसलमान। अब परसों अरे रुको, क्या नंबर तुम्हारी उम्र क्या है? 16। एक मिनट रुको, एक मिनट, आ रहा हूँ मैं चारू, चारू आ रहा हूँ, चारू आ रहा हूँ, प्रीति आ रहा हूँ। क्या उम्र है तुम्हारी? 16। यहाँ आओ, जल्दी जल्दी आओ, अंदर आओ, जल्दी आओ, रुको भैया। क्या उम्र है? 16। कहाँ जा रहे थे? मैं यहीं पे आ रहा था। तुम घर जाओ, 16 साल की उम्र में टिबेट में नहीं आना है अभी, और तुम सब अच्छा है मुल्क में, और जाओ पढ़ाई लिखाई करो, जाओ जाओ, चल भागो, चल भागो। 16 साल की उम्र में डिबेट में आने की जरूरत नहीं, और ऐसी डिबेट में नहीं, ये अच्छी डिबेट नहीं है, जाओ घर जाओ अपने। जी मैं आया, जी मेरी उम्र ज्यादा है, मैं एक बात कहना चाहती हूं। रिस्पॉन्सिबली यू कैन स्पीक, रिस्पॉन्सिबली यू कैन स्पीक, ऑफकोर्स वेरी रिस्पॉन्सिबल। क्या हो गया है कि 16 साल का लड़का भी सड़क पे उतर गया, सड़क पे खड़ा हो गया, उसको कुछ बेकार की राजनीति ना करो, बेकार की राजनीति ना करो, बेकार की राजनीति ना करो। पहली बात तो ऐसा है, मेरा बेटा 13 साल का है, वो जवाब दे देगा आपको। 16 साल की बात बाद में करिए, लेकिन आप ये देखिए, आपने देखा कि जय श्री राम का नाम अगर ले लिया नॉर्मली भी, बंगाल में हल्ले मच गए, FIR हो गई फाइल, बच्चों की जिंदगियां खराब कर दी हैं राजनीति के नाम पर। उनमें से कोई बच्चा हाथ में इस तरीके से वेपन लेकर मंदिर में घुस के पुलिस वालों को घायल करके अल्लाह अकबर नहीं कह रहा था? आप जैसे लोग सहारा देते, आप जैसे लोग गलत काम को सहारा देते। मैं ये आप कह रही है ना, ये बात अभी, ये जो कल घटना हुआ कोरोली में जो हुई है, वहाँ आपने कल कहा कि नारा दोबारा रिपीट नहीं करोगे, वहाँ जो तलवारें लहरा लहरा के जुलूस के नाम पे जो नारे लग रहे, मैं नहीं लगा रहा, वहाँ नारे लगाए गए थे, वहाँ नारे लगाए गए थे, मस्जिदों के ऊपर चढ़ के झंडे लगाए जाते हैं, मस्जिदों में घुस जाते हैं, ये रेडिकलाइजेशन है। प्रीति एक सेकंड, बहुत बहुत शांति से पूछना चाहती हूँ अभी दीपक, तुम मुझे 20 सेकंड दो, 20 सेकंड दो प्रीति, यहाँ आओ। अरे मुझे तुम्हारी चिंता ज्यादा है, मुझे इन लोगों की चिंता नहीं। पढ़ाई लिखाई कर रहे हो? कौन सी क्लास में? 10th में, अभी प्री बोर्ड हुए थे, 89% आए। 89% आए? हाँ हाँ, तुम बोलो यार, मुझे तुम्हारी बड़ी चिंता है, पानी पियो पहले। मुझे चिंता तुम्हारी है, मुझे बाकी की नहीं, देश तो सही हाथों में है। बोलो, मेरा सवाल एक इन दोनों पार्टियों से है। किन से? ये जो यहाँ पे हैं और ये प्रखर वक्ता है, जय श्री राम के नारे लगाने वाला अगर कोई अभद्र भाषा का प्रयोगी हो सकता है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि जय श्री जो नारा लगाकर गोरखपुर मंदिर में चला गया वो कैसे आतंकवादी नहीं हो सकता? मुझे पहले इसका जवाब चाहिए। पापा क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं। और घर में कितने भाई बहन हैं? मैं अकेला हूँ। अकेले हो? तो तुमने क्या सवाल पूछा? सवाल सुनिएगा गौर से। जी मेरा सवाल ये है, अगर मैं अता जी जवाब दीजिएगा, आपकी उम्र अता जी क्या है? अरे बचपन ही है अभी तो, क्या बचपन, क्या बचपन। मेरा सवाल ये है, मैं खुद मीडिया पैनलिस्ट हूँ, मैं टीवी डिबेट में डिबेट करता रहता हूँ, और मैं भारतीय जनता पार्टी का बहुत प्रखर वक्ता हूँ, लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है, अगर 16 साल का एक बच्चा जय श्री राम के नारे लगाकर आपकी सोच में आतंकवादी हो सकता है, कि जो मंदिर पर बैठकर IIT की पढ़ाई करके बैठ गया है वो आतंकवादी क्यों नहीं हो सकता, पहले मुझे वो बता दो। बैठो वहां जाके, जाओ वहां बैठो जाके।
देखिए भाई, हाजी हाजी हमारा प्रवक्ता है, हमारा प्रवक्ता है आपका, बिल्कुल बैठाइए, वो बैठा दिया भैया मैंने, भैया मैं क्या पिद्दी का शोरबा बैठा दिया मैंने तुरंत, और मेरा काम तो ये है कि पूत के पांव पालने में ही पता चल जाते हैं। बैठो वहीं पे, वहीं बैठो, मैं आया जी। देखिए मैंने तो यहाँ जो इंजीनियर है या मुर्तजा की अभी बात ही नहीं करी है कि नहीं, लेकिन ये मैं बता रहा हूँ, हम जिस चीज से बचना चाहिए हिंदुस्तान में, कि 16 साल का लड़का नैरेटिव में बात करता है, वही नैरेटिव फिर मैं कहता हूँ वही सांप्रदायिक नैरेटिव। अगर 16 साल की पोत अगर नैरेटिव और सांप्रदायिक नैरेटिव में चलेगी तो फिर इस देश का भविष्य क्या होगा? जिसे देश की विकास की बात करनी चाहिए, जिसे डेवलपमेंट के बारे में सोचना चाहिए, देश की जो बुनियाद है उसके बारे में सोचना चाहिए, जो ऐसी बात करे, ये रेडिकलाइजेशन है जो हो रहा है हिंदुस्तान में भी। जनाबे आली ने पूछा सवाल, क्या नाम है आपका? गोपाल सिंह। गोपाल सिंह, जनाबे आली ने सवाल पूछा कि अगर 16 साल का बच्चा यह सवाल पूछता है तो गौर करना चाहिए कि रेडिकलाइजेशन मतलब होता है ध्रुवीकरण, तो ये ध्रुवीकरण है हिंदू मुसलमान की जो डिबेट है, ये कौन कर रहा है, किस तेजी से कर रहा है और कौन अफीम डाल रहा है, ये आ रहा हूँ जी। छोटे से बच्चे को इस डिबेट में बहुत घसीट के, इतना सुरीला नाम है, उतना सुरीला ये बोल नहीं पाए। लेकिन एक चीज मैं कह रही हूँ, इन्होंने अभी कहा, तुम्हें डिबेट में नहीं हो, तुम बैठ जाओ चुपचाप, जब तक उसके बाद चले जाना। दीपक जी ने डिबेट में कहा कि 85% लोग जो होते हैं वो साइकोलॉजिकल बीमार होते हैं, तो भाई 85% लोगों में हम लोग भी आते हैं सारे, कुछ तो आएंगे ना, हम में से कितने ऐसे हैं जो ISIS को पैसा भेजते हैं, हम में से कितने ऐसे हैं जो अलकायदा को पैसा भेजते हैं, हम में से कितने ऐसे हैं जो PFI को फंड करते हैं। अगर आप मानसिक रोगी हैं तो पागल खाने में जाइए, इसका मतलब पूरे देश में जितने पागल खाने हैं वो सब ISIS को पैसा भेजते होंगे, यही बात ये कह रहे हैं ना। देखिए मैं कहता हूँ, जितने लोग धर्म का सहारा लेके, भगवान का नाम लेके, अल्लाह का नाम लेके धार्मिक उन्माद फैलाते हैं और समाज में उन्माद फैलाते हैं, मुर्तजा आतंकी है कि नहीं, मुर्तजा आतंकी है कि नहीं, मुर्तजा ने ISIS को पैसे भेजे कि नहीं, मुर्तजा ने नेपाल के बैंक से 8 लाख रुपए भेजे कि नहीं, ISIS बैंक, सुन लीजिए आप, सुनिए, आतंकी संगठन को पैसा भेजने वाला शरीफ कैसे हुआ? मैं बताता हूँ, ईसा उपनिषद में कहा गया, ईसा वास्मिदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक तेन भुंजी था माग्रह कष्ट शुद्ध नाम, जो पूरी संसार में जगत में चराचर में है वो ईश्वर का आवास है, ना खुदा है, ना अल्लाह है, ना राम है, ना रहीम है, सब भगवान है, सब परम शक्ति है, और हम लोग कौन होते हैं? भगवान ने आपको बनाया कि आपने धर्म को बनाया? ये बताइए, धर्म भगवान ने आपको बनाया ना? भाई भाई सुनो, मुद्दे पे आओ, बढ़ो, ठीक। प्रतीक जी, हिंदुस्तान को क्या बना दिया गया है, ये लड़का आज उदाहरण है। आप उसके इशारा मत करिए, इशारा मत करिए, आप उससे सवाल करते हैं, आप 16 साल के लड़के से सवाल करते हैं। बढ़ जाओ चुपचाप, आप भी बढ़ जाओ, चलो बढ़ जाओ। तुमने तो नीम में डाल दी है अफीम, और अगर मैं ठीक कर रहा हूँ तो कह रहे हो कि क्यों बुलाया? हमने डाली है, इसलिए ये अफीम हमने डाली है। किसने डाली? ये जो सांप्रदायिक राजनीति करते हैं, फिरका परस्ती की राजनीति करते हैं, नफरत की राजनीति करते हैं। बैठ जाइए, बैठो जो जी, मोहम्मद रफी भाई, आपको इतनी तकलीफ हो रही है आतंकी को आतंकी बुलाने में, ये दर्शाता और दिखाता है कि आप आतंकवाद के साथ हैं। सुनिए मेरी बात, नहीं मेरी बात सुनिए, फैक्ट सुनिए, चिल्लाइए मत, फैक्ट सुनिए। आपको मालूम है वो 2015 से आतंकवाद का काम कर रहा था, आपको मालूम है कि उसने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था। वन बाई वन जी, जिस बच्चे का इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, हाँ, उद्देश्य होना चाहिए था, क्रिकेटर बनना उद्देश्य होना चाहिए था, वो हिंदू और मुसलमान की बात कर रहा है आज। ये हिंदुस्तान को दिया है पिछले 10 सालों में। ना ये प्लीज आंसर, मैं आंसर करना चाहता हूँ। अगर जो इनका हिजाब मामला है, हिजाब मामले में एक आतंकवादी समर्थन करता है तो वो इनके लिए सही हो जाता है, अगर एक 16 साल का बच्चा आकर देशभक्ति की बातें करता है तो वो इनके लिए आतंकवादी हो जाता है। मुझे सिर्फ ये बोलना, आपको मैं मुर्तजा के कन्फेशन बताती हूँ जो उसने ATS में कन्फेशन किए हैं। मुर्तजा ने बोला है कि मैं बहुत
परेशान था, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हिजाब का मामला हुआ था, यहाँ पर महिलाओं का शोषण हो रहा है, उनका बिचारियों का हिजाब स्कूल में पहन के नहीं जाने दिया जा रहा है। उसने बोला कि सीए और एंटी सीए के दंगों से मैं परेशान था, इसलिए मैं गया था वहाँ पर, सुनिए आप, इसलिए मैं गया था गोरखनाथ के मंदिर में अटैक करने के लिए। उसको आईसी से जोड़ दीजिए, उसको हमास से जोड़ दीजिए, उसको तालिबान से जोड़ दीजिए, उसको सबसे जोड़ दीजिए। अरे इतना बड़ा आतंकवादी था, हसिया लेके चला गया काटने, इतना बड़ा आतंकवादी था वो, क्या चाहते हैं आप, क्या चाहते हैं? एक आदमी के वजह से पूरे पूरे मुल्क को, पूरे मुल्क में आग लगाना चाहते हैं एक आदमी के वजह से। जी मैं आया, कैसे हैं? बढ़िया है। कहाँ जा रहे थे? दिल्ली आए थे। अब कहाँ से आए थे? सिवान बिहार से। अरे तो फिर सब ठीक है ना घर में? रुकिए, घर में सब ठीक ठाक है ना? बोलिए। ये चंद गुंडों आतंकवादियों को बचाने के लिए अपनी पार्टियों साथ अपने कितने नीचे गिर सकते हैं, इन लोगों को खुद ही समझ नहीं आ रहा। ये अपने तो गिर रहे, पार्टियों को भी गिरा रहे हैं, और चंद लोगों के लिए ना देश की चिंता है इन लोगों के, ना खुद की, अपने बच्चों की चिंता है। ये सिर्फ ये लोग पागल हो गए हैं, इनको समझ ही नहीं है। इतने लोगों से एक बार आप सर्वे कर लीजिए कि किसकी मत किधर है। ये दो तीन लोग पूरे देश में भ्रष्टाचार फैला करके और लोगों को। आया, पानी पियो। जी जी, देखिए मैं सबसे पहले रेडिकलाइजेशन का मतलब इनको समझाता हूँ। जो ओसामा बिन लादेन ने किया यूएसए में, वो रेडिकलाइजेशन था। जो अफजल गुरु ने भारतीय पार्लियामेंट में किया, वो रेडिकलाइजेशन था। जो मुर्तजा ने किया, वो रेडिकलाइजेशन था। जब ये लोग 16 साल के बच्चे का बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 19 साल का संदीप उन्नीकृष्णन, आपको 26/11/2008 मुंबई का ताज अटैक याद होगा, केरल में जन्म लेता है, कर्नाटक में उस शिक्षा पाता है, बिहार रेजिमेंट का नौकरी करता है, और मात्र 19 साल के एज में मुंबई के ताज को बचाते बचाते शहीद हो जाता है। इस बच्चे में और उसमें कोई अंतर नहीं है। इनको ये पता होना चाहिए कि रेडिकलाइजेशन का परिभाषा क्या होता है। जी मैं आया, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। जी कैसे हैं? बढ़िया। कहाँ से आ रहे हैं? मैं यहाँ आपके ऑफिस से आ रहा हूँ। ऑफिस मतलब? अरे मैं इसलिए पूछता हूँ, कहीं कोई आ रहा हो जा रहा हो मतलब पता करना चाहिए मुझे। जी जी, ऑफिस से आ रहा हूँ, अपने एक्सिस बैंक में काम करता हूँ। एक्सिस बैंक में काम करते हैं? हाँ। जी बताइए। तो, मैं इनके जो सवाल है उनका जवाब देना चाहूंगा कि हम लोग जो है रेडिकलाइजेशन ध्रुवीकरण की बात कर रहे हैं। मैं इनसे क्वेश्चन करना चाहूंगा कि जब वो अफगानिस्तान बढ़ा था तो किसने रेडिकलाइजेशन किया था? हिंदू मुस्लिम किया था। जब 1947 में पाकिस्तान बट गया, मतलब भारत से विभाजित हो गया, तो किसने किया? जी मैं आ रहा हूँ। जी मैं आया, इसके बाद जी अभी यहाँ पे खड़े होके जो जो मुर्तजा को डिफेंड कर रहे हैं, मैं कहना चाहूंगी हम नहीं बोल रहे, हम नहीं बोल रहे, नहीं नहीं नहीं, रेडिकलाइजेशन की बात कर रहे हैं। एक मिनट आपके बीच में मैं बोली, एक मिनट, पहली बात ये ना मोडस ऑपरेंडाई है टेररिस्ट का। हाँ अभी अभी, हाँ जी, हाँ जी, एक मिनट, अगर डिपेंड नहीं कर रहे तो कहो आतंकवादी है, कहो। हिम्मत रखो, हाँ, अगर मुर्तजा आतंकवादी है, अखलाक के तेरे भी आतंकवादी है और वो भी आतंकवादी है, आपका मंत्री सोचो। अगर नहीं, आईएसआई को पैसा भेजने वाला मुर्तजा अब्बासी आतंकवादी है कि नहीं, अगर मगर नहीं चलेगा, ये गलत बोल रहे हैं आप। आता और एक चीज और, ये जो बार बार धर्म का कार्ड खेलते हैं, एक तरफ तो आप कहते हैं कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, और जैसे ही मुर्तजा की बात होती है तो धर्म के नाम पे छाती पीटने लगते हैं। एक तरफ प्रतीक जी, ये एक मोडस ऑपरेंडाई है, इनका सिस्टम सेट है, पकड़े गए तो बोल देना। ये तो दिमाग इसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, ये टीचर का बच्चा है, ये आईआईटी में पढ़ा लिखा बच्चा है, ये मोडस ऑपरेंडाई है। और आप मगर लगा के, इफ बोल के, बट बोल के आतंकवादी को मत बचाओ। नहीं, आप आतंकवादी को बचा रहे हो, आप आतंकवादी को बचा रहे हो, मगर बोल रहे हो बार बार। बोलो मुर्तजा आतंकवादियों को झारखंड जाके आपका मंत्री हाथ फैलाएगा तो बिल्कुल डिफेंड करेंगे, बात करेंगे, बिल्कुल मगर लगाएंगे, पूर्ण विराम सवाल यानी शायद आप पे लगाएंगे, क्योंकि आपका मंत्री स्वागत करता है आतंकवादी का, जो कश्मीर के आरोपी समाजवादी पार्टी के। यूसुफ बैठो, संजीव जी बैठिए। यूसुफ भाई, बहस हो गई, एक लंबा समय तक आप रिपोर्टिंग करते रहे। अब मैं ये जानना चाहता हूँ, उन्होंने क्या आप कहा, ये एक मोटे से परंडी है, पकड़े गए तो कह देना मानसिक, पकड़े गए तो कह देना पागल है, पकड़े गए तो कह देना बीमार है। गरीब बेटा ये भी बोल देते हैं, कश्मीर में जितने पकड़े जाते हैं गरीब है। नाउ लेट हिम स्पीक, आप सुनेंगे। जी देखिए प्रतीक जी,
अब जो इन्होंने कहा और उन्होंने कहा, अब तो जो कह रहे हैं वही सत्य माना जाता है, वही सत्य माना जाता है। आप अपनी सत्य आप किसी एक वन भाई जी, चीजों को देखने का नजरिया बदल चुका है देश में जी। हर चीज में यहाँ धर्म खोजा जाता है। अपराध को, मेरा मानना है, किसी भी अपराध को सिर्फ अपराध की नजर से देखना चाहिए, उसके धर्म की नजर से देखना उसे बिल्कुल गलत है। इसका कोई मतलब नहीं है, किसी भी अपराधी के साथ किसी तरह की कोई रियायत नहीं होनी चाहिए, उसके अपराध की इंटेंसिटी के हिसाब से होना चाहिए, उसका फैसला होना चाहिए। पुलिस यहाँ जो भी डिबेट हो रही है वो तो आप ये मानते हैं कि जो अखिलेश ने कहा वो गलत कहा? हाँ, अखिलेश को नहीं कहना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के 5 साल मुख्यमंत्री रहे हैं और अब प्रतिपक्ष के नेता है, वो जिम्मेदार व्यक्ति है। ये वर्जन जो मुर्तजा के बारे में मुर्तजा के फादर कह रहे हैं कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है, पुलिस इसकी जांच कर रही है। और जो भी डिबेट यहाँ हुई, इन्होंने जो कुछ कहा वो उन पर कहा जो पुलिस ने कहा है। अभी तो कोर्ट में जाना है, मैं समझ गया, कोर्ट में जाएगा, कौन क्या है कोर्ट तय करेगा जी। जनाब क्या नाम है? रंजीत भजनी मेरा नाम है। हाँ जी रंजीत भजनी। हाँ जी रंजीत जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। कोई बात नहीं, आराम से जी। सर कोई बात नहीं, मुर्ते पे बात हो जाएगी, लेकिन एक बताओ, रोजगार कब मिलेगा, महंगाई कब कम होगी, क्या होगा इस देश का, क्या होगा? सर बेवा गलत कर दिया, जब से 2014 में सत्ता में आए, जब से बीजेपी ने और आम आदमी पार्टी ने, एक मिनट बात कहने दीजिए, हक है, बोलने दीजिए जो बात कह रहा हूँ बात सुनने दीजिए। सत्ता में जब से आए हैं 2014 से, लेकिन जब से देश का बेड़ा गर्क हो गया, अर्थव्यवस्था बेकार हो गई, गरीब मर गया, रोजगार और महंगाई, पेट्रोल आए दिन पेट्रोल के दाम बढ़ रहे। भाई साहब आप क्या करते हैं, आप बताइए ना, आपकी शिक्षा दीक्षा क्या, आप क्या करते हैं, आप कुछ कमाते हैं कि नहीं कमाते, आपकी उम्र क्या है, ये तो बताइए पहले। नहीं पहले अब आप बताइए, आपने रोजगार की बात करा, अच्छा करा, आप कह रहे हैं 2014 से पहले भट्टा बैठ गया, आप ये बताइए। रोजगार की बात करके कुछ गलत कह दिया उसने, जो पूछा जा रहा है कि आप क्या करते हैं, क्या मजाक है ये, कोई रोजगार की बात नहीं कर सकता इस देश में, रोकेंगे आप रोजगार की बात करेंगे तो रोकेंगे आप रोजगार की बात करने को रोका जाएगा, उसका पूछा जाएगा क्या करते हैं, कुछ कमाते नहीं कमाते, इस देश के अंदर कितनी बेरोजगारी फैल रही है, इसका कोई मतलब नहीं, उनका एक भी सवाल नाजायज नहीं है। आप सवाल पूछने वाले को इस तरह इंटरोगेशन करें, एक मिनट मेरा टाइम, पहली बात इनको उछलने की कोई जरूरत नहीं थी, मैंने कहीं पर यह नहीं बोला कि इस विषय को उठाने की आवश्यकता नहीं है, मैंने ये बोला अगर आपके कान ठीक है सुनिए, प्लीज स्टे अवे। आप, मैंने बोला कि आप क्या करते हैं भाई साहब, आपकी शिक्षा दीक्षा क्या है ये बताइए, और दूसरी बात ये भाई साहब इनको पहचाने, आप ये बोल रहे हैं पत्रकार महोदय, ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जिम्मेदार व्यक्ति है, बड़ा जिम्मेदार लगते हैं इनको अखिलेश यादव, जो 2007 के जो आतंकी है उनको बचाने की कोशिश करते हैं, वो अखिलेश यादव जिनके रिश्तेदार, जिनके पार्टी के नेता आतंकी हैं, वो इनको बहुत जिम्मेदार लगते हैं। मैंने तो नहीं कहा जिम्मेदार है, और ना मैंने अखिलेश यादव का समर्थन किया, कितना झूठ बोलते हैं ये लोग, हद होती है, मैंने नहीं बोला। आ रहा हूँ, वक्त है छोड़ दो, ब्रेक के बाद आप दोनों लोग जो हैं पानी फैल उस पर डालते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, आप जैसे लोगों की सबसे ज्यादा जरूरत है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला एक बार फिर से शुरू कर, मैं आ रहे हैं, सबको आग लगानी है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला जहां से छोड़ा था मुझे याद है, और बात वहीं से शुरू करेंगे, बगल में रंजीत साहब बैठे थे और उन्होंने कहा कि आप लोग महंगाई की बात क्यों नहीं करते, पेट्रोल की बात क्यों नहीं करते, डीजल की बात क्यों, मुझे सब याद रहता भैया, ऐसा थोड़ी ना मैं भूल जाता हूँ, 24 बरस हो गए टीवी में, और साहब 24 बरस में 16 बरस हो गए ऐसे ही प्रोग्राम करते हुए, आप जैसे लोगों से मिलते हुए, याद सब रहता है मुझे, भूलता मैं कुछ नहीं। तो रंजीत भाई ने कहा मैं आ रहा हूं कि आप महंगाई पे, पेट्रोल पे, डीजल पे, सब्जियों के दाम पे बात क्यों नहीं करते, आप ये क्यों बात करते। किसी ने मुझे ब्रेक में कहा कि सबसे ज्यादा दोषी अगर इस समाज में कोई है तो ये पत्रकार लोग हैं, ठीक है ना भैया, यही बोला था ना। हाँ
पूरा बोले पत्रकार भी शामिल शरीक है। अरे को हाँ जी पत्रकार देश को जगा रहा है। बहुत अच्छे आदमी ऐसे ही लोगों की जरूरत है मुझे। दो चार लोग ऐसे भी जरूरत है मुझे, दो चार वैसे भी जरूरत है जो ये हमेशा कहें आपके टांग खींचते रहें कि भाई आप इस पे बात करिए, उस पे बात नहीं करेंगे, हिंदू मुसलमान पे बात नहीं। मुझे ऐसे लोग भी जरूरत है, मुझे वैसे लोग भी जरूरत है, लेकिन देश में कैसे लोग की जरूरत है ये बहुत बड़ा सवाल है और इसी से बातचीत का सिलसिला शुरू होना चाहिए। जनाब आपका नाम? मेरा नाम दिनेश है सर। दिनेश जी, और आपका नाम साहब? धीरज जानी। धीरज जानी, धीरज जानी साहब आप तो वकील हैं? जी जी बिल्कुल। कहाँ से आ रहे हैं? कोर्ट से? जी दिल्ली हाई कोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट से आ रहे हैं जी। कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कुछ अपनी बात रखना चाहते हैं, कुछ राय देना चाहते हैं? जी बिल्कुल जी। ये जो पिछला यूपी का इलेक्शन था ये आपका जीता गया राम मंदिर पे। मैं देश को आगाह करना चाहता हूँ कि अगला जो लोकसभा का इलेक्शन होगा वही मुद्दा राम मंदिर का होगा, उसको बना के रख देंगे आपके सामने और यही बताया जाएगा कि भाई ये हमने बनाया है, बीजेपी ने बनाया है, जबकि असलियत ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से बना है, ना कि जिन लालकृष्ण आडवाणी वगैरह जो भी मुरली मनोहर जोशी था उनको कब बीजेपी से बाहर कर दिया, जबकि उनकी मुख्य भूमिका थी उसमें। ऑफकोर्स मुझे देखिए मैं ऑफकोर्स मैं बीजेपी के पास आऊंगा। बैठो रंजीत आओ। प्रीति मैं यूपी के निवासी की भी सुनूंगा। नहीं बैठ जाओ। जानी साहब बहुत शुक्रिया जो आप हमारे शो में शरीक। आ रहा हूँ जी। और सुनने की मादा तो सबने होनी चाहिए, ऐसा थोड़ी ना कि खुश लेंगे और आता जी, ऐसा थोड़ी ना होगा कि जो बढ़िया बढ़िया वही है हमारा और जो घटिया है वो सब तुम्हारा, ऐसा नहीं होगा। बैठो आ रहा हूँ। अच्छा जी हाँ जी सर, मैं संघ का कार्य करता हूँ और नाराजगी नरेंद्र मोदी से है। अगर नरेंद्र मोदी या किसी भी मंत्री में हिम्मत होती तो एक बार कहते कि हम संसद में लाएंगे इसके लिए बिल और राम मंदिर बनवाएंगे। क्यों बोलते हम कोर्ट का इंतजार करेंगे? क्यों किसी में हिम्मत नहीं थी कि हम संसद से बिल पारित करवाएंगे? इसका जवाब दीजिए। दूसरी बात, अगले 20 सालों तक हिंदू मुस्लिम पे चुनाव होता रहेगा और देश इसी तरह लुटता रहेगा। प्राइवेटाइजेशन सर, देश में भारत पेट्रोलियम दूसरे नंबर की सबसे ज्यादा मुनाफे वाली कंपनी है लेकिन उसे भी बेचा जा रहा है। अगर कोई चीज मुनाफे में है घाटे में है तो कोई खरीद क्यों रहा है? अंबानी अडानी कोई घाटे की चीज क्यों खरीदेंगे? और फायदे में है तो बेच क्यों रहे हैं? देश चलाना ही नहीं है तो करना क्या है, इसका जवाब दीजिए आप। देश चलाना कैसे है, देश में कैसे लोग चाहिए, देश में आ रहा हूँ भाई। क्या नाम है आपका? सचिन नाम है। सचिन क्या काम करते हैं? हमें सुनिए ठेकेदार हैं हम। हाँ मुझे ऐसे ही ठेकेदार लोग चाहिए। मुझे ठेकेदार, एक मिनट खड़े रहिए, मुझे ठेकेदार लोग बहुत अच्छे लगते हैं। ये कुछ भी बेच, रुकिए खड़े रहिए चुपचाप, कुछ भी खरीद लें, कुछ भी बेच दें। हाँ जी ठेकेदार। हाँ नहीं तुम कैसे बेच दोगे, ठेकेदार लोग सब अच्छे होते हैं। खड़े रहो जी। आया हाँ बेटा, कहाँ से हो? सर इटावा से। इटावा से? इटावा से हो तुम जी? तो यहाँ कैसे आए? सर बस घूमने आया था, मैं आपका शो देखा तो मैं रुक गया, नहीं तो निकल ही जाता। हाँ जी खड़े रहो दोनों लोग चुपचाप, मैं भगाएंगे अभी। हाँ जी मैं वकील साहब से इस बात से जरूर कहना चाहूंगा जो उन्होंने कहा भी। वकील साहब आप इतना बता दीजिए कि इससे पहले राम मंदिर का निर्माण भी नहीं हुआ और ना ही आदेश हुआ, ना ही 370 हटी, आखिरकार ऐसा क्यों? बीजेपी सरकार में ही ये सब निर्णय क्यों हुआ? वकील साहब आपका हाई कोर्ट चाहो चाहे सुप्रीम कोर्ट उसका आदेश नहीं है, ये वकील साहब ये बात तय कर लीजिए। जो भी हुआ है वकीलों की वजह से ही हुआ है, मैं ये बात कहना चाहूंगा। लेकिन सोचिए और समझिए उसके बाद आप जैसे वकीलों ने ही उसका निर्णय कराया, उससे पहले सरकार में क्यों नहीं हुआ? क्या नाम है आपका? अमित वर्मा। अमित वर्मा, अमित वर्मा जी इटावा के ही हो आप? जी हाँ प्रॉपर इटावा के ही। तो भाई एक मिनट रुको भाई, देखो रुको, तो इटावा मतलब वो तुम इस्लामिया कॉलेज के इंटर कॉलेज डिग्री कॉलेज के आसपास कहीं के हो? बिल्कुल सही कहा, पूछना जरूरी होता। नाउ यू आंसर प्लीज। देखिए पहले मैं ये कहना चाहूंगी, धर्म और डेवलपमेंट साथ साथ नहीं चल सकता, ये किसने कहा है? हमने चला के दिखाया है देश में, उत्तर प्रदेश में, और इसलिए योगी जी जीत कर आए हैं। या राम मंदिर का आप नाम लेते हैं बहुत अच्छी बात है, जय श्री राम, लेकिन दूसरी बात, क्या आप योगी जी के पूरे भाषण सुन के आपने सड़कों की बात सुनी? आपने अस्पतालों की, कॉलेजेस की बात सुनी? आपने हर घर में नल से मिलने वाले पानी की बात सुनी? आपने कानून व्यवस्था की बात सुनी? आपने नौकरियों की, इन्वेस्टमेंट की बात सुनी? क्या आपने देखा सबको पक्के घर मिले हैं?
नहीं नहीं बहुत आसान है आके बोलना, क्योंकि हम धर्म की बात करते हैं, हम डेवलपमेंट नहीं करते, हमने दोनों करके दिखाए और उसके बाद हमने इतिहास रचा। आप जानते हैं प्रतीक जी किस तरीके से पहली बार हम धर्म की बात भी करेंगे, एक हाथ में कुरान, एक हाथ में लैपटॉप, एक हाथ में गीता और एक हाथ में कुरान भी हो सकती है, लैपटॉप भी हो सकती है। ठीक है जी जी, अब आपको दिक्कत क्या है इसमें बताइए, मतलब हर बात में विरोध करना है आपको? नहीं, हर बात में खड़े हो जाना है। डेवलपमेंट किया इन्होंने डेवलपमेंट किया है। डेवलपमेंट वो आपके सामने नजर आ रही है, वो है दिल्ली में जो डेवलपमेंट है वो आप बता दीजिए। लेकिन अब मैं एक बात बताता हूँ, अगर ये बुलडोजर चलाने को डेवलपमेंट कहते हैं तो ये इनको मुबारक हो। कानून व्यवस्था न्यायपालिका देखती है, देखिए कानून व्यवस्था न्यायपालिका देखती है। अगर बुलडोजर कहीं विकास का द्योतक है तो पूरा हिंदुस्तान में चला दीजिए, बुलडोजर चलेगा तो विध्वंस का प्रतीक है, बुलडोजर हमेशा विध्वंस। अगर आप बुलडोजर को विकास कहते हैं तो फिर न्याय या न्यायालय क्यों खोल रखे हैं? उधर उधर उधर, बुलडोजर हम नहीं चलाएंगे, खड़े रहो तुम। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम सचिन गोस्वामी है और मैं गाजियाबाद से बिलोंग करता हूँ। रात में टर्री चलाता हूँ मैं, टर्री मतलब ई रिक्शा चलाता हूँ, फ्री सेवा करता हूँ रात में। कोई बच्चा बड़ा बूढ़ा कोई भी हो उसके घर तक फ्री सेवा है मेरी, मैं रात में पूरी रात टर्री फ्री चलाता हूँ, घर तक छोड़ता हूँ उसको। ठीक है, और इनकी बात का जवाब दूंगा मैं कि इन्होंने क्या बोला था अभी पहले बताओ। इन्होंने बोला कि हम जो कोई बात अच्छा कोई बात अच्छा, एक काम करो, क्या नाम है तुम्हारा? सचिन गोस्वामी नाम। सचिन गोस्वामी, होता है कभी कभी क्या होता है ना, बड़े बड़े से लोग जो है बोलते बोलते भूल जाते हैं। अभी कुछ देर पहले वो जो प्रीति बोल रही थी वही भूल गई, बोलना कुछ था बोल कुछ गई, तुम यहाँ सोचो मैं आया। जी जी जी, जानी साहब का जवाब दूंगी। जानी साहब आप कहाँ से हैं? दिल्ली से है ना? जानी साहब आप दिल्ली से? मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, मिर्जापुर आजमगढ़ गांव है जहाँ पे 2 घंटा बिजली आती थी मेरे बचपन में। बनारस में 2 घंटे बिजली आती थी, वो 80 घाट जहाँ पे गाय भैंस बैठती थी, गोबर तैरता था। आज पूरे देश विदेश के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर आते हैं। जवाब उत्तर प्रदेश ने डेवलपमेंट का दिया है। और सुन लीजिए आज एक मिनट, आज दिल्ली से जाने वाली VIP ट्रेन पता है कौन से स्टेशन पे रुकती है? मंडुआडी स्टेशन पे। उस मंडुआडी स्टेशन पे ट्रैक में गोबर तैरता था, आज वो इंटरनेशनल। आज प्रधानमंत्री और योगी जी जाते हैं, आप दिल्ली में बैठते हैं ना, उत्तर प्रदेश में क्या काम हुआ है वो गोंडा, बस्ती, सलेमपुर, गाजीपुर, बलिया, वहाँ जाके पूछिए। जहाँ 2 घंटा बिजली रहती थी 18 घंटे बिजली आती है। अगर आप दिल्ली से बाहर निकलेंगे ना अपने AC वाले कमरे में, आपको समझ में आएगा। प्रीति एक मिनट सारे लोग चुप हो, एक मिनट चुप हो, एक मिनट। हमारी तरफ से रोजा इफ्तारी हो गया है ना, अदा साहब हो गया, यूसुफ साहब आपका भी हो गया, बस पानी ले लीजिए, खजूर लाए तो लाइए, मुझे तो हमेशा एनर्जी की जरूरत है। रोजा इफ्तारी हो गया। हाँ जी, आप जवाब बताओ, आप देने की जरूरत नहीं। हाँ जी, हाँ लखनऊ से हूँ सर। हाँ जी, हाँ। उत्तर प्रदेश के जो लोग 7 जिलों का नाम नहीं बता सकते वो वहाँ की डेवलपमेंट पे बात ना करें। जो बिजली के बारे में जानते हैं, रोड के बारे में जानते हैं, वो बात नहीं कर सकते। मैं उत्तर प्रदेश की बेटी हूँ। जी सर, सर उत्तर नहीं, बात महंगाई पर भी होनी चाहिए। सर मेरा कहना ये है कि बात महंगाई पर भी होनी चाहिए, बेरोजगारी पर भी होनी चाहिए। हाँ बेटा, मैं ये कह रहा हूँ सर कि बात महंगाई पर भी होनी चाहिए, बेरोजगारी पर भी होनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से आज मोदी जी देश को मजबूत बनाने का काम कर रहे हैं, आज आप श्रीलंका की महंगाई देखिए, आप देखिए अफगानिस्तान में आज तालिबानियों द्वारा शासन किया जा रहा है, आप पाकिस्तान में जाके देखिए इमरान खान का आज तख्ता पलट हो गया, उसे PM पद से इस्तीफा देना पड़ा। श्रीलंका में जिस तरह से महंगाई दिनों दिन बढ़ती जा रही है, आज ये सब मोदी जी करा रहे हैं? ये मोदी जी के कारण नहीं है, मोदी जी हमारे देश में हमारे साथ खड़े हुए हैं, उनका परिणाम है कि आज देश तरक्की कर रहा है। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? सुमित शर्मा। सुमित शर्मा कहाँ के रहने वाले हो? जी मैं भिंड से हूँ। एक इटावा से, एक भिंड से, और भिंड के जो हैं वो यहाँ से बात शुरू करते हैं कि महंगाई पर भी बात होनी चाहिए। जी सर बिल्कुल होनी चाहिए, महंगाई पर भी बातचीत होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, ऑफ कोर्स होनी चाहिए। जी हाँ जी, एक मिनट प्रतीक जी, सिर्फ एक लाइन हम यही बात करना चाहेंगे कि अभी यहाँ तमाम जितने जनता बैठे हैं सारे लोगों को एक बात समझनी होगी कि 15% का भय दिखा करके 85% का वोट बटोरने की केवल कोशिश है। नहीं, क्या बोल रहे हो आप? मुझे ये बताइए, सारी जगह आप लोग पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चले गए, आप ये बोलिए कौशिक साहब मुर्तजा आतंकवादी है कि नहीं है? मुर्तजा गोरखनाथ टेंपल में क्यों गया था?
से बचोगे? कितनी बार मुर्तजा की बात से बचोगे? मंदिर पहले भी बन सकती थी। मैं यहीं आ रहा हूँ। मंदिर पहले भी बन सकती थी, पूर्ववर्ती सरकारों में इतनी हिम्मत नहीं थी कि फैसला देने वाले को राज्यसभा भेज दे। इतनी हिम्मत होती फैसला देने वाले के बारे में, इतनी हिम्मत होती कि उसको राज्यसभा भेज दिया जाए, इससे पहले भी फैसला हो सकता था। मैं जवाब दे, देखिए एक बात कौशिक, एक बात ना कौशिक, गलत बात, ये गलत बात, दिस इज वेरी हाईली ऑब्जेक्शनेबल। हाँ जी जी, अपनी संस्थाओं पे चोट करना कम करिए। जी क्या नाम है आपका? अंदर आओ। क्या नाम है बेटा? सर मैं बता नहीं सकती, स्टूडेंट हूँ ना, ये सही नहीं होगा बताना, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करती हूँ। यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करती हूँ, इसलिए नाम अपना नहीं बताओगी? अच्छा तो ठीक है, तो इसका मतलब तुम कोई ठीक ठाक और गोल्ड मेडलिस्ट हो, और ऊपर वाला करे तुम्हारे गोल्ड मेडल सारे सुरक्षित रहे। नाम मत बताओ, यूनिवर्सिटी का भी नाम मत बताओ, पापा का तो नाम बता सकती हो? हाँ। क्या नाम है पापा का? श्री मुकुल कुमार शुक्ला। देखो मैं पता चल गया तुम्हारा नाम भी क्या है, बताओ तुम्हारा नाम। अरे चलो छोड़ो, बाद में बताएंगे, बताओ सवाल पूछो, क्या पूछना है? जी सर, जो मुर्तजा वाला मुद्दा भी है, मुझे उसके बारे में ज्यादा भी पता नहीं कुछ। मुर्तजा एक शख्स है, IIT के पास थे, और उन्होंने जो काम किया, उन्होंने दो पुलिस वालों को घायल किया, और उसके बाद वो उनके ऊपर ये इल्जाम है कि उन्होंने जो ISI से उनके संबंध है, उन्होंने जिस तरह से काम किया, तो ये बात हो रहा था कि वो कहते हैं, मुर्तजा कहते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ देश में बहुत खराब हो रहा है, इसलिए वो आए थे इंसाफ करने के लिए। सर मुझे धर्म से इतना मतलब नहीं है कि उसका नाम क्या है, बट अगर उसने किसी को मारा है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, अगर वो अडल्ट है तो पक्का, और अगर वो मतलब 18 ईयर से कम है। नहीं नहीं, वो IIT पास आउट है, ऊपर है, तो उसने जो किया उसके लिए सजा होनी चाहिए, पूरी अच्छी तरह जांच पड़ताल होनी चाहिए, और सरकार या जो भी कमेटी बैठी है उसको पूरी तरह से पूरे सबूत लाने चाहिए उसको, मतलब दोषी करार करने। आपको आपकी यूनिवर्सिटी और आपको आपका नाम और आपको आपका काम, बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। हाँ जी बोलिए। देखिए प्रतीक, मैं अभी जो ये बात चल रही है, ममता की बात, खैर मैं नहीं करूंगा वो, अरे ममता की ही बात करनी चाहिए, ममता जो पूछेगी तो उसका जवाब देगा, ममता तो ममता है, वो रणजीत की बात करूंगा, जो आप रेडिकलाइजेशन हो रहा है, और रेडिकलाइजेशन से ध्रुवीकरण जो हो रहा है। परसों मैं यहाँ खड़ा था, मेरे से बात कर रहा था कोई रिपोर्टर, तो जब महंगाई की, मैंने कहा महंगाई की बात करो, पेट्रोल 115 रुपए है वो बात करो, गैस 1050 है, बोलो वो पता क्या जवाब देता है एक लड़का कहता है अगर पेट्रोल 250 रुपए होगा तो भी खरीदूंगा, गैस 2000 होगी तो भी खरीदूंगा, सब्जी 150-200 रुपए किलो होगी तो भी खरीदूंगा, अरे भाई सब तरीके से खरीदूंगा, लेकिन भारत पा का और ये हिंदू मुसलमान करेगा ये रेडिकलाइजेशन। पहली बात तो 115 रुपए कहाँ है? महाराष्ट्र में किसकी सरकार है? आप देख लीजिए, देश में सबसे महंगा पेट्रोल जहाँ पर है, सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल, 10 में से 8 प्रदेश में भाजपा है ही नहीं, आप यहाँ तक क्यों चले आते हैं? वहाँ खड़े रहिए ना, अरे आप चले क्यों आ रहे हैं? अच्छा रुक, एक मिनट, आराम से जी, चिल्लाते घुसे चले आ रहे हैं, मैं तो नहीं जा रही वहाँ तक। मैं ये कहना चाह रही हूँ, अगर देश में पेट्रोल के प्राइसेस की लिस्ट बनाई जाए, 10 सबसे महंगे प्रदेशों में से 8 प्रदेश में भाजपा सरकार नहीं है, आप जानते हैं दुनिया में। भाजपा का क्या होता है? पूरा देश भाजपा राज कर रही है, पूरे देश में मोदी जी का राज है, और मोदी जी कंट्रोल करते हैं, सेंट्रल कंट्रोल करता है, चुनाव के समय कहते थे कि कंपनियां कंट्रोल नहीं कर पाती हैं, सरकार कंट्रोल नहीं करती, लेकिन कैसे 3 महीने प्राइस नहीं बढ़े, बताइए ना मैडम, कैसे नहीं बढ़े? और दूसरी बात धर्म की बात, इन्होंने कहा मुर्तजा को आतंकवादी कहो, अगर मैं मुर्तजा को आतंकवादी कहूंगा तो अपने संस्थान पे, सुप्रीम कोर्ट पे, हाई कोर्ट पे और पुलिस पे सवाल उठाऊंगा, क्योंकि अभी कार्यवाही जारी है, अगर आप कहेंगे तो मैं कहता हूँ। हम क्यों कहेंगे? आपका जो मन करे वो कहिए। जी जी, मैं क्यों कहूँ? जी जी ममता जी, मैं भी बैठा बैठा जी, देखिए पहली बात तो आज मेरे छोटे भाई ने स्वीकार कर लिया कि पूरे देश के अंदर भाजपा शासन है, जो 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 सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात करेगा, जनता उनको सत्ता आसीन करेगी, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने बोला कि आतंकवादी को आतंकवादी नहीं बोल सकते, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा, लेकिन जब राम मंदिर का मैटर सब जुड़ी था, तब ये गा गा के राम मंदिर की बात करते थे, तब इनको कोर्ट की याद नहीं आती थी, लेकिन आज आतंकवादी की बात आई तो तकलीफ। क्या नाम है भाई?
सुमित यश शुक्ला सर। अरे शुक्ला जी तुम दो कल भी बोले थे, आज अपने इनका जवाब दे। अरे नहीं, रोज नहीं बोला जाता जी जी। अरे है क्या करते हैं आप, बैठिए। हाँ तब तो जरूर पूछो। बैठो सारे लोग बैठो। हाँ जी क्या नाम है? जितेंद्र सिंह नाम है। मैडम जी पूछना चाहता हूँ, आठ कौन सा प्रदेश ऐसा है ये गिना दे जो पेट्रोल भाजपा सरकार से सस्ता है? कौन सा आठ स्टेट है बता दे इन्होंने। और राम मंदिर पे बात चल रही है, राम मंदिर कोई सरकार नहीं बनाया, सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है। राम मंदिर का जो फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट से आया, क्योंकि वो जमीन का विवाद था। जमीन के विवाद को आप कैसे सदन में सुलझा सकते हो भाई? ठीक एक मिनट। देखिए 1990 में जो हुआ कश्मीर में, अरे कुछ शांत कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? शांत कर सकता हूँ मैं। जो भी इस तरह की गतिविधियां होती हैं पूरा देश भुगतता है। आज कश्मीर मोदी जी से क्या कहना चाहता है वो एक कविता के माध्यम से बताता हूं मैं, कि भारत के कश्मीर का संदेश श्री मोदी जी तक पहुंचा दो, भारत के कश्मीर का संदेश श्री मोदी जी तक पहुंचा दो। 1990 के घाव अभी भी हरे हैं उनको इतना बतला दो। 1990 के घाव अभी भी हरे हैं उनको इतना बतला दो। 19 जनवरी को दहशतगर्दों ने ऐसा कोहराम मचाया था, लाखों हिंदुओं को घाटी से भगाया था। शर्मा जी माफ करिएगा, कवि को बीच में रोकना नहीं चाहिए और नेता को भाषण से नहीं रोकना चाहिए, कवि को कविता से नहीं रोकना चाहिए और प्रतीक त्रिवेदी को बोलने से नहीं रोकना चाहिए। लेकिन मुझे याद आ गए वो टिर्री वाले भैया, कहाँ गए? याद आ गए, चले गए। हाँ जी कहाँ से हैं? कहाँ से? वेस्ट बंगाल से। बंगाली आपने आपने बांग्ला बोलते बोले? हाँ तो बोलो बंगाला, बंगला बोलो। एक तो सुमाई थे अपना सुमाई बोलो। ये भाई की बात बोला था वही से मैं शुरू करता हूँ और मैं ये बोलना चाहता हूँ। एक बांग्ला में एक कहावत है कि अन्याय जे करे और अन्याय जे सहे तब घृणा जनता रे तीनों समद है। हाँ, जो अन्याय करता है, जो अन्याय करता है, खेत है वो बहुत ही मत ईश्वर की घृणा से वो जलता है। हाँ। बात ये है सर, मेरा जहाँ पे घर है गांव है एकदम बंगाल की बॉर्डर खुला बॉर्डर है वहाँ पे है। जल्दी बोलो। वहाँ पे अपना जो जमीन है हाँ। ये जमीन बोआ हुआ मतलब तैयार हुआ फसल वो छीन के ले जा रहा है। कौन ले जा रहा है? देखिए ये तो राजनीतिक तरफ से तृणमूल का है और जो ले रहा है वो एक ही धर्म विशेष का लोग ले रहा है और जो वहाँ से जिसका जमीन ले आपने, आपने, आपने नाम की उनसे? हमारा नाम स्वपन विश्वास। स्वपन विश्वास जी के आसो तुम्हें बहुत बहुत महीन राजनीति समझा दी इन्होंने, बड़ी महीन। एक आदमी जमीन छीन रहा है आपकी? एक आदमी नहीं, कई आदमी पूरा हमारा गांव का जितना सारा जमीन है सारे छीन रहे। कौन गाँव होच्चे? ये उदयनगर कॉलोनी जोलंगी थाना जिला मुर्शिदाबाद। जिला मुर्शिदाबाद जी। तो एक लोग कुछ लोग मिलकर जमीन खींच रहे हैं आपकी? तैयार के हो जो फसल तैयार होता है तैयार ही फसल छीन के ले गया। उसने थाने में गया, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स है। जब थाने में गए तो रिपोर्ट लिखाई तो क्या हुआ? कोई सुनवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। और जो थाने में गया उसको फिर दोबारा जब घर पे आते हैं तो रास्ते में उसको मारते। इन्होंने नाम नहीं लिया किसी का, नाम इन्होंने किसी का नहीं लिया, लेकिन मोहम्मद रफी आता। मोहम्मद रफी आता नाम नहीं लिया और मैं बगैर नाम लिए आज ये प्रोग्राम छोड़ता हूँ। और जो बात कर रहे थे डेमोक्रेटिक राइट्स की और जो बड़े प्रजातांत्रिक मूल्यों की बात कर रहे थे, ये वही इशारा कर रहे थे कि देखिए पकी हुई फसल भी कौन ले जा रहा है। आज अभी कल मिलेंगे, फिर मिलेंगे।